नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। नक्सलियों के मंसूबों को एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान माओवादियों के हमले की योजना आज फेल हो गई है। गढ़ चिरौली पुलिस नक्सलियों के भारी मात्रा में आईडी बमों को बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक नीलोपतल के मुताबिक पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि लोकसभा चुनाव के दौरान आईडी हमले करने की योजना माओवादी बना रहे हैं, जिसको लेकर माओवादियों ने टीपागढ़ क्षेत्र में कुछ विस्फोटक छिपा कर रखे थे। लेकिन उस समय सूचना बहुत ज़्यादा सटीक नहीं थी। किसी भी संभावित हमले को रोकने के लिए तब उस इलाके में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी और चुनाव बिना किसी बाधा के करवाए गए। इस बीच उस सूचना पर काम मगर चल ही रहा था और सटीक स्थान की जानकारी मिल ही गई, जहां जांच पर पता चला कि टीपागढ़ क्षेत्र में एक पहाड़ पर विस्फोटकों और बारूदी सुरंग को पहाड़ में डंप किया गया है। विस्फोटक की तलाश करने की जरूरत पड़ने पर उसे वहीं नष्ट करने के लिए तुरंत बीडीडीएस की दो टीम, साथ में सीसीटीवी की एक यूनिट और सीआरपीएफ की एक क्वाड को रवाना किया गया। पुलिस के मुताबिक आज सुबह जब टीमें मौके पर पहुंची तो उन्हें विस्फोटक और डेटोनेटर से भरे 6 प्रेशर कुकर बम, जिसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से नक्सलियों ने जंगलों के बीच पत्थरों के बीच में छुपा कर रखा था। विस्फोटक और छर्रे से भरे 3 पाइप भी मिली है। टीमों को उसी स्थान पर जो है प्लास्टिक बैग भी मिला है, जिसके अंदर बारूद, दवाइयाँ, कंबल भी मिले हैं। बीडीडीएस टीम द्वारा कुल 9 आईडी बम और 3 पाइप को उसी जगह पर नष्ट कर दिया गया है। बाकी सामान मौके पर ही जला दिए गए हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से कुकर बम नक्सलियों ने तैयार करके रखे थे। और सोचिए, अगर इन कुकर बम का इस्तेमाल सुरक्षा बलों पर नक्सली करते तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। लोहे के कटे हुए कुछ हिस्से पाए गए, जिन्हें माओवादी जो है कुकर बम में अंदर रखते हैं, ताकि बड़ा धमाका होने पर उससे काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बलों को नुकसान भी होता है। आप देख सकते हैं लगातार किस तरीके से नक्सलियों के ठिकाने से विस्फोटक सामग्रियों को बरामद किया जा रहा है। इसी बीच पूर्वी सब जोनल ब्यूरो माओवादियों की तरफ से वोट बहिष्कार को लेकर प्रेस नोट भी जारी किए गए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। माओवादियों ने एक तरह से बुकलेट जारी किया है, जिसमें भाजपा के कई योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्हें खोखला साबित नक्सलियों ने बताया है। सूत्रों से हवालों से हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि जल्द चाईबासा के घने जंगलों में रहने वाले इनामी माओवादियों की तरफ से भी जल्द प्रेस नोट जारी हो सकती है। जल्द कुल्हान में रहने वाले नक्सलियों की तरफ से कई बातों का भी जो है उजागर हो सकता है। खासतौर पर वोट बहिष्कार को लेकर कई तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है। उस प्रेस नोट को मैं विस्तृत रूप से आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ हो या झारखंड में माओवाद संगठन के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों का अभियान चल रहा है, इसे तो हम ये कह सकते हैं कि संगठन में बौखलाहट आ गई है। संगठन धीरे धीरे टूटने की कगार पर पहुँच गया है, क्योंकि हर दिन जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में सुरक्षा बलों को एक तरह से उनके विस्फोटक जो है जंगलों से बरामद किए जा रहे हैं, और साथ ही भारी संख्या में आत्मसमर्पण करने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरह के वीडियोज़ और अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में इसी तरह के नए अपडेट आपको इस चैनल में देखने को मिलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।